चेक करें, अभी अभी हम तैयार हुए हैं। तो ज़ुबैर भाई की कॉल आई है कि वो आने वाले हैं। जैसे ही वो आएंगे फिर उनसे मुलाकात करेंगे हम, और मुलाकात करने के बाद जा रहे हैं नवीद भाई के घर 22-23। मेरे को जाना पड़ेगा। तो ज़ुबैर भाई आ चुके हैं, तो देखें जी। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है ज़ुबैर भाई? अब हमारा टूर 22-23 का है जी। चलो जी, इंशाल्लाह वो चेक करें हमारे हमसाए। क्या नाम है इसका, याद है? अभी ज़ुबैर भाई बताएंगे, बोलो। ये वकास भाई हैं। यार सही से याद नहीं आ रहा। तो अभी चलते हैं फिर। अभी पहले नवीद के पास से चक्कर लगाए, बस अच्छा। आप हमें याद कर रहे हैं। अच्छा, एक नवीद के पास से हो गए, फिर दूसरे नवीद के पास। चलो ठीक है। तो पहले हम नवीद भाई, कौन सा है? नवीद भाई साबन वाला। साबन अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो उनसे मिलके फिर हम जाएंगे जी इंशाल्लाह 22-23। ये देखिए हमारी शहजादी फातिमा। क्या हाल है फातिमा, ठीक हो? वाह फातिमा ने साइकिल ले ली है। अबू बकर किधर बैठेगा? अबू बकर उठ गया। ओह शिट नो। तो खैर गाइस, हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है। पहले हम भाई नवीद से मिलेंगे और फिर भाई नवीद साबुन वाला। देखिए जी सफर स्टार्ट हो गया है, आज साबुन वाले से मुलाकात करते हैं। क्यों आपने मुलाकात नहीं की? बहुत फर्क है, व्लॉग में नहीं आया कभी। अच्छा, आज व्लॉग में आएगा। तो हम तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 15-20 सेकंड में पहुंच गया है। वो कुछ काम कर रहे हैं, बच गया ये चेक करें। बस हवा निकल गई। नवीद भाई थोड़ा सा काम में मसरूफ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल भैया? और तबीयत ठीक है? ये है व्लॉग। तो पहले नवीद से हम मिल चुके हैं, हमें बहुत ज्यादा खुशी पता है। अब जा रहे हैं दूसरे नवीद भाई के पास, 22-23 वाले के पास। तो सफर का आगाज शुरू हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। इधर उतरे हैं ना, ये बीच में ही आ जाता है। डर लगता है, शुक्र है कॉटन वाला सूट नहीं पहन के आया, मैं तो चिर हो जाना था सारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मम्मा ने मुझे मार, मुझे पढ़ने के लिए उसे प्यार पे बात करते हैं हमको। तो आप अपनी शायरी इधर सुनाएंगे या आगे जाके? नहीं, आगे चल के सन्नाटे में, सन्नाटे में, ठीक है? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, वो है जरा दिल पे लगने वाली ना, और दीन के मुतालिक भी है। अच्छा, तो जूस आ चुका है हमारा, ये चेक करें। अब हम दोनों भाई जूस पीते हैं और आप लोग क्या करो देखो। हाय हाय, इतना सुकून। तो जूस वूस पी लिया हमने, ज़ुबैर भाई ने आया है, और दोस्त मिल गया ज़ुबैर भाई का। भाई की तो सफर स्टार्ट है बिल्कुल। हाँ, आप शेर सुनाने लगे। शेर है जनाब के, हक की खातिर जान फिदा करे कोई, हक की खातिर जान फिदा करे कोई, मोहब्बत की झूम उठे ऐसी वफा करे कोई,
नमाज 1400 सालों से इस इंतज़ार में है कि मुझे इमाम हुसैन की तरह अदा करें। ये आपका खुद का शेर है जी? हैं जी भाई, वाओ नाइस यार। गाइस आप लोगों को मजा आया कमेंट में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो ज़ुबैर भाई एक और शेर सुनाने लगे हैं, तो अर्ज करें। ये हमारे दिल की आवाज़ है कि हमें ज़िंदगी से क्या मतलब, शहादत है मिशन हमारा। हमें ज़िंदगी से क्या मतलब, शहादत है मिशन हमारा। सरहदों पे दफन होंगे, वर्दी है कफन हमारा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप लोगों को पता होना चाहिए ज़ुबैर भाई फौज में कमांडो हैं माशाल्लाह से, तो इनकी ये खुद की शायरी है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छी। सर हम नवीद अकरम के घर जा रहे हैं। हाँ तो 22 तेईस है वो घर, यहाँ पर है पक्का दिन सर, सब यहाँ पर है। शायद आप शायद भूल गए हैं। मैं भूल गया, आप शायद भूल गए हैं, अभी पता चलेगा। नवीद अकरम, नवीद अकरम अब्बासी का घर बर्फ वाले कारखाने के सामने से इन होकर उस तरफ पड़ेगा सेम नाले के पहले। A few moments later. मुझे लगता है ज़ुबैर भाई ना भूल गया रास्ता। नहीं नहीं, यहाँ पर एक रोड जा रहा था कच्चा रास्ता, जो रास्ता उतर कर सीधा इनके घर जाता था, इनके घर के बराबर से उतर था। आज तो या तो वो रास्ता मिलेगा या फिर ज़ुबैर नहीं, वरना हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा रास्ता भी है, ऐसी कोई बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुबैर भाई फौजी है, प्लान ए प्लान बी दोनों तैयार होते हैं हमेशा। तो अब देखें, प्लान ए मेरे ख्याल से थोड़ा सा ख़राब हो गया, प्लान बी की तरफ ये रुझान कर रहे हैं। नाले की तरफ से आया था उसके साथ एक बाबा है सामने। हाँ इनसे उनसे पता करते हैं सामने को। काफ़ी अर्से बाद आए हैं तो थोड़ा तो होता है इंसान के साथ। अब हम घर जाके बात, तो बात कुछ ऐसे है कि मसला क्रिएट हो गया है। नवीद भाई के घर आए हैं, सामने नवीद भाई का घर है और ये डोगी आ गया है, ये हमसे पूछ रहा है हाँ भाई क्या करने आए हो, और हम थोड़ा सा परेशान है। लेकिन ज़ुबैर भाई नहीं परेशान हुआ, भाई इंजॉय कर रहा है। इकराम भैया डर रहे हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है मैं कुत्तों से कितना डरता हूँ। ओए चला जा, और दो चले जाएगा, क्या हो गया, चला जाएगा। आप ऐसे घबरा रहे हो नवीद, चेक करें नवीद भाई को आवाज दे रहे हैं, मामे वो अंदर से डर के बाहर ही ना निकले कि पुलिस आई हुई है, भाई आवाजें लगा रही है। नवीद अकरम एक और जोरदार फौजी स्टाइल में, नवीद अकरम वो आए ना आए मोहल्लेदार आ जाएंगे भाई तुझे मसला क्या है, इसलिए मैंने घरों से थोड़ा आगे करके गाड़ी रोकी है। तो ऐसा करते हैं कि हम जोखिम उठाते हैं, आ रही है, आगे जाते हैं और किसी से पूछते हैं कि भाई नवीद का घर किधर है। नहीं वो बच्ची आ रही है, हाँ इनके घर पहले इसी तरफ थे अब उस तरफ है। अच्छा हाँ, तो एक भाई भी आ रहे हैं सामने से, इससे पता करें। नहीं नहीं वो बच्ची आ रही है, बच्ची को बोल देंगे तो बच्ची बुलवा देंगे। तो देखते हैं फिर बाकी आ रही है। बेटा नवीद अकरम को तो बुलाइएगा, कहाँ पर है वो घर ही नहीं है, मिल पे बोल लो, उनका कॉन्टेक्ट नंबर ला कर देंगे आप, मोबाइल नंबर। तो नवीद भाई मिल पे गई हूँ मैं, उनका मोबाइल नंबर ले रहे हैं ताकि हाँ ताकि हम बाद में फिर उनसे रابطہ कर सकें, फिर कब से बुलाएंगे किसी दिन।
देखते हैं हमारा व्लॉग भी बीच में लगता है रह जाएगा। चलो देखते हैं अभी नंबर लेने की है। अब कुछ ऐसा है कि नवीद भाई घर नहीं है, तो आप लोगों को ये गाय चेक करानी थी, इतनी दूर ये गाय दिखाने के लिए आया। देखें जुबैर हंस रहा है, तो ऐसे हो जाता है कभी कभी। अब हमारा दोस्त हमसे कॉल पे रब्ता किया उसने, तो गपशप किया हमने, तो फिर कभी इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी उनसे। तो ठीक, फिर आप भी आइएगा, तो आपको अभी वापसी का सफ़र है, किधर जाना है? वापसी का सफ़र हम थोड़ा घूम के जाएंगे यहाँ से, सेम नाले की तरफ से। सेम नाला दिखाते हैं आज आपको। हम पहुंच चुके हैं अपने घर, बड़ा मजा आया, दोस्त से मिले, हल्ला गुल्ला किया हमने, अब ऐसे ही कहेंगे ना। और सुनाए जुबैर भाई, मजा आया? कर अल्लाह पाक का बड़ा मजा आ रहा है। आज जो सफर था ना, पूरी जिंदगी याद रहेगा, मैं कहता हूँ मजा आ गया। अब ये भी सोचता रहेगा कि कितना मजा आया होगा, लेकिन ये भी लोग जब अपलोड हो जाएगा फिर इसको पता चलेगा कितना मजा आया। तो खैर गाइस, इधर ही व्लॉग एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। करना अपने स्टाइल में जैसे ये चेक करें।